श्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा चौहान स्कूल ऑफ साइंसेस से UGBY 102 के दूसरे लेक्चर ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको बताऊंगी। इससे पहले हमने आपको एसेंट ऑफ सैप के बारे में बताया था। देखिए, प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन का फेनोमिना होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वो पूरा का पूरा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज नहीं होता है, और प्लांट की एनाटॉमी इस तरह की होती है कि ट्रांसपिरेशन के फेनोमिना को प्लांट अवॉइड नहीं कर सकता है, जो कि हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लांट के एरियल पार्ट से जो एक्सेस वाटर है वो वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकलता है, इस फेनोमिना को हम ट्रांसपिरेशन का फेनोमिना कहते हैं। अब प्लांट में ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है? जिस पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है उसके बेसिस पर ट्रांसपिरेशन को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, दूसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तीसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जैसे कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन है, किसके द्वारा होगा? स्टोमेटा के द्वारा होगा। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टोटल ट्रांसपिरेशन का 85-90% प्लांट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्लांट में किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। वाटर लॉस किसके द्वारा मैक्सिमम होगा? स्टोमेटा के द्वारा होगा। दूसरा है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का जो परसेंटेज है वो टोटल ट्रांसपिरेशन का 1% होता है, और ये किसके द्वारा होता है? लेंटिसेल के द्वारा होता है। अब लेंटिसेल क्या होती हैं? प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से वहाँ पर पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, और उस पेरिडर्म की वजह से वहाँ पर जो स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर होता है वो बंद हो जाता है। इसलिए वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कुछ सेल्स आपके रप्चर करती हैं और लेंटिसेल का फॉर्मेशन करती हैं जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में। तो उन लेंटिसेल के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होगा वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब बात आती है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन टोटल ट्रांसपिरेशन का 20% होगा जो प्लांट में होता है, और ये किसके द्वारा होगा? प्लांट में जो बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन किससे हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा, उसके बाद आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत कम है, और कहाँ पर होगा? जहाँ पर कहीं सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है, फोर लीफ मैथड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर बनाया हुआ है का फिगर आप देख रहे हैं, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज मोर देन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर क्या किया गया है कि ABCD लेबल करी हुई चार लीव्स हैं, एक ही प्लांट की लीफ हैं, एक ही एज ग्रुप की लीव्स हैं, और उनको धागे से इस तरह से एक ये स्ट्रैंड है और एक ये दूसरा स्ट्रैंड है, इससे इसको टाई अप कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो ए वाली लीफ है इसकी दोनों सरफेस पे वैसलिन लगा दी गई, मतलब अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। और इसके बाद ये जो यहाँ पर डी वाली लीफ है इसकी किसी भी सरफेस के ऊपर वैसलिन की कोटिंग नहीं की गई है। इसके बाद ये आपकी सी वाली लीफ है, इस सी वाली लीफ की लोअर सरफेस पे कोटिंग की गई है वैसलिन की, अपर सरफेस पे नहीं की गई है। और ये आपका बी वाली लीफ है, इसकी अपर सरफेस पे वैसलिन की कोटिंग की गई है, लोअर सरफेस पे नहीं की गई है। अब देखिए यहाँ पर, ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस में ज़्यादा होते हैं। जब इस तरह से ABCD को वैसलिन लगाकर हैंग किया गया तो देखिए, जो ए वाली लीफ है ये जब कुछ घंटों बाद उसको देखा गया तो ये पूरी तरह से टर्जिड थी, ग्रीन थी, मतलब यहाँ पर विल्टिंग नहीं हुई। और जो डी वाली लीफ थी इसमें विल्टिंग हो गई। कारण? क्योंकि यहाँ पर ना तो इसकी अपर सरफेस पे वैसलिन लगी हुई थी ना लोअर सरफेस से, तो अपर सरफेस से मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं, लोअर पे थोड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर लॉस हुआ तो ये विल्ट कर गया। और ए में विल्टिंग नहीं हुई क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पे वैसलिन लगाने से स्टोमेटा क्लोज हो गए थे, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का फेनोमिना नहीं हुआ। अब अगर हम बी और सी की बात करें तो डी की विल्टिंग सबसे पहले सूखेगा, इसके पश्चात सी की विल्टिंग हुई। सी की विल्टिंग इसलिए हुई कि सी में लोअर सरफेस पे आपके
वैक्सीन लगी थी अपर सरफेस पर नहीं लगी थी, और इस बी वाले में अपर सरफेस पर वैक्सीन थी लोअर सरफेस पर नहीं थी। विल्टिंग तो दोनों में होगी, लेकिन इसमें पहले होगी इसमें बाद में होगी। क्यों? क्योंकि सी में अपर सरफेस पे लगे मतलब यहाँ पर अपर सरफेस में नहीं लगा है, लोअर सरफेस में लगा, तो अपर में स्टोमेटा से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ। और बी के केस में क्या था कि अपर सरफेस में जब वैक्सीन लगा दी गई तो लोअर सरफेस में स्टोमेटा कम होते हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाने से ये बाद में विल्ट करती है, सूखती है। और देखो यहाँ पर हमने स्टोमेटा को क्लोज किया, इससे ये प्रूव होता है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा ज़्यादा होता है, क्यूटिकल के द्वारा कम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट है, गेनॉन्ग्स फोटोमीटर। इस गेनॉन्ग फोटोमीटर के द्वारा हम क्या मेज़र करते हैं? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेज़र करते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल ट्यूब है, इस वर्टिकल ट्यूब से ये आपकी ये जो ट्यूब जा रही है इससे इधर की तरफ नीचे को बेंड ये ट्यूब है, ये कहाँ पड़ी हुई है? एक बीकर के अंदर है, इस बीकर के अंदर पानी है। यहाँ पर इस ट्यूब में ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर ग्रेजुएशन मतलब मार्किंग होती है, स्केल्स बनी हुई होती हैं, और यहाँ पर ऊपर ये स्टॉपर लगा हुआ, ये एक वाटर रिजर्वायर लगा हुआ है। तो इसके द्वारा यहाँ पर क्या है, ये एक पॉटेड आपका प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। अब इसको देखो, सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने जब इसको बनाया तो उसके पश्चात हम इस बेंड ट्यूब को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने उसको पानी से बाहर निकाला तो जब वो एयर में आएगा तो उसकी कैपिलरी के अंदर एयर बबल एंटर कर गया। अब जब एयर बबल एंटर कर गया तो हमने उसको यहाँ बीकर के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर हमको एयर बबल को अगर ग्रेजुएशन में जीरो पर लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मान लो वो जीरो पर नहीं है, कहीं आगे 1, 2, 3 किसी नंबर पर आ गया, तो यहाँ पर इसको यहाँ से खोलकर ये पानी हम यहाँ से लाएंगे, तो पानी जब इसमें इधर को जाएगा तो उसको हमने जीरो पर सेट कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि प्लांट लगा हुआ है, ट्रांसपिरेशन जब होगा तो पानी नीचे से ऊपर ये लेगा, तो जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये पानी आपका इधर से ले रहा है। वो हम कैसे देखते हैं? ये जो यहाँ पर एयर बबल है वो इस तरफ को मूव करेगा, तो एक मिनट में एयर बबल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उससे हम क्या निकालते हैं, उतनी देर में कितना पानी आपका ट्रांसपायर हुआ। तो इस तरह से गेनॉन्ग्स फोटोमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसी भी प्लांट का निकाल सकते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन प्लांट में किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की यहाँ पर बात करेंगे। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को बताने के लिए या उसकी मैकेनिज्म को बताने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की ज़रूरत होगी। अगर हम इस फिगर में देखें, यहाँ पर देखिए ये गार्ड सेल हैं, ये स्टोमेटा की सब्सिडियरी सेल्स हैं, ये स्टोमेटा आपका क्लोज है, ये स्टोमेटा आपका ओपन है। अब देखिए यहाँ पर
ये देखिए, अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये गार्ड सेल होती है। इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये इसके किनारे किनारे क्या है, सब्सिडियरी सेल हैं। ये आपका स्टोमेटा कैसा है, क्लोज्ड है। ये स्टोमेटा कैसा है, ओपन है। यहाँ पर ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखिए कैसे होती है। यहाँ पर जो अंदर वाली इसकी वॉल है, ये इनर वॉल हो गई या आउटर वॉल हो गई। इनर वॉल जो गार्ड सेल की होती है थिक होती है, और आउटर वॉल जो होती है ये आपकी थिन वॉल होती है, और ये अंदर वाली वॉल आपकी कैसी होती है, थिक होती है। तो इस गार्ड सेल के अंदर जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपका घटेगा, मतलब यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल जब घटेगा तो उससे क्या होगा, इसके अंदर का जो वाटर है वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। जब बाहर की तरफ आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये गार्ड सेल आपकी फ्लैसिड होगी और स्टोमेटा आपका बंद हो जाएगा। इसके विपरीत यहाँ पर देखिए, ये आपका स्टोमेटा ओपन है। खुलता कैसे है, जब इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा, इस गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर सब्सिडियरी सेल्स के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा। जब गार्ड सेल के अंदर ये एंटर करेगा तो गार्ड सेल आपकी क्या हो गई, टर्जिड हो गई, फूलेगी। और जब वो फूलेगी तो चूंकि इसकी बाहर की वॉल पतली है तो वो उसको बाहर की तरफ पुश करेगी। जब बाहर की तरफ पुश करेगी तो ये जो वॉल यहाँ पर एकदम स्ट्रेट इनर वॉल आपको दिख रही है, दोनों वॉल ऐसे चिपकी हुई हैं, वो कैसी हो गई, कॉनकेव हो गई। जब ये कॉनकेव हो गई तो स्टोमेटा क्या हुआ, खुल गया। अब इस ओपन स्टोमेटा के अगेंस्ट जब यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर देखिए एक्सोस्मोसिस का फिनोमिना होने लगा। वाटर आपका कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। जब वाटर आपका बाहर आएगा तो ये फ्लैसिड होगा, जब फ्लैसिड होगा तो ये पिचकेगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो खुली हुई है, जो इसकी इनर वॉल है, ये जो कॉनकेव हो गई जिससे स्टोमेटा खुला है, वो अपनी पोजीशन में वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा, और इस तरह से स्टोमेटा यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, दिस इज़ द फंडामेंटल बेसिस। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो आपकी गार्ड सेल्स हैं, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसे बढ़ता घटता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर थ्योरीज दी गई हैं, और अब हम आपको उन थ्योरीज के बारे में बताते हैं। गार्ड सेल की जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर सब्सिडियरी सेल से वाटर क्या हुआ, अंदर की तरफ जाएगा, और ये इनर वॉल जो इसकी है ये क्या होगी, कॉनकेव होगी, और आउटर वॉल बाहर की तरफ बल्ज करेगी। तो स्टोमेटा क्या हो गया, खुल गए। लेकिन और उसके बाद जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन आपकी, रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो वहाँ पर जब यहाँ पर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर एक्सोस्मोसिस का फिनोमिना होगा और स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाएंगे। लेकिन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन द गार्ड सेल की जो थ्योरी है, ये पूरी तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को नहीं सेटिस्फाई करती, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन हुए। ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन तो यह है कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या तो वो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, या बहुत ही कम मात्रा में फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर गार्ड सेल में बढ़ नहीं पाती है। दूसरी बात, ये भी देखा गया कि कहीं कहीं पर गार्ड सेल में, जैसे मोनोकॉट्स हैं, वहाँ पर कि उनकी गार्ड सेल में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो क्या हुआ, वहाँ पर क्या स्टोमेटा खुलेगा, नहीं, वहाँ पर भी स्टोमेटा खुलते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि अगर ब्राइट सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है, इन दैट कंडीशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़नी चाहिए। तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी तो यहाँ पर गार्ड सेल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ना चाहिए और स्टोमेटा खुलने चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होता है। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है स्टोमेटा के चारों ओर और ब्राइट सनलाइट है, तो ये जो है, ये जो ऑब्जेक्शंस हैं यहाँ पर इस थ्योरी में, वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन इन द गार्ड सेल की थ्योरी जो है स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को सपोर्ट नहीं करती है। अब देखिए,
जो दूसरी थ्योरी है वो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है। देखिए जो दूसरी थ्योरी है आपकी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर देखिए स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, स्टार्च का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ग्लूकोज में हो रहा है। हम जानते हैं कि दिन के समय में लाइट में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और डार्क के समय में स्टोमेटा क्या होते हैं, वो आपके क्लोज्ड होते हैं। क्यों? गार्ड सेल में दिन के समय में क्या होता है, जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है वो आपका यूटिलाइज हो जा रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दिन के समय में। तो स्टोमेटा के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर कम होता है, इसकी वजह से वहाँ पर जो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है अराउंड प्लांट वो क्या हुई, कम हो गई। जब वो कम हो गई तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या हुआ, पीएच आपका बढ़ गया। यहाँ पर पीएच कितना है, 7 है। इन दैट कंडीशन जो गार्ड सेल के अंदर स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल है, स्टार्च आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इस ग्लूकोज की वजह से क्या हुआ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल गार्ड सेल का क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो सब्सिडियरी सेल से वाटर कहाँ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर जाएगा। कौन सा फेनोमिना होगा, एंडोस्मोसिस का फेनोमिना होगा। और आपकी जो गार्ड सेल है उसकी जो इनर वॉल है वो बाहर की तरफ खींचेगी, और उससे वो क्या हुई, कॉनकेव हो गई, और स्टोमेटा क्या हुए, ओपन हो गए। रात के समय में क्या होता है, जो भी आपका रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, मतलब पीएच आपका कम होता है। गार्ड सेल में जो भी ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। अब जब वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो स्टार्च में कन्वर्ट होने से उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो वाटर आपका गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में आएगा, और गार्ड सेल आपकी फ्लैसिड होगी, जो उसकी इनर थिक वॉल थी जो कॉनकेव हुई थी वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगी, और दोनों गार्ड सेल की जो इनर वॉल है स्ट्रेट होकर के आपस में चिपक जाती हैं, और स्टोमेटा आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह से स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से स्टार्च शुगर कन्वर्जन आपका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ाता और घटाता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ, और ऑब्जेक्शन यह हुआ कि पहली चीज़ तो ये है कि गार्ड सेल के अंदर जो स्टार्च है इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं होता है, इसका कन्वर्जन हमेशा ऑर्गेनिक एसिड में होता है। जब स्टार्च डिसअपियर करेगा तो वो ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक एसिड बनाता है। दूसरी चीज़, मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, एक बीजपत्री जो प्लांट्स हैं, उनकी गार्ड सेल में स्टार्च पाया ही नहीं जाता है। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन थे जिसकी वजह से स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस भी पूरी तरह से स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं है, किस तरह से उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता और घटता है। देखिए यहाँ पर एक तीसरी थ्योरी है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और ये थ्योरी आपकी स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन करती है। जितनी भी थ्योरी हमने आपको बताई, पहली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन की, दूसरी हमने आपको जो थ्योरी अभी बताई स्टार्च शुगर कन्वर्जन हाइपोथेसिस, उन दोनों के कंपैरिजन में ये थ्योरी ज़्यादा सेटिस्फाई करती है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, जो ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं स्टोमेटा की गार्ड सेल में। यहाँ पर देखिए, दिन के समय में स्टोमेटा खुलते हैं, रात के समय में स्टोमेटा आपके क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो यहाँ पर दिन के समय में ये स्टोमेटा जैसे आपका खुल रहा है, तो यहाँ पर होता क्या है, इस स्टोमेटा में अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये इसकी गार्ड सेल है, स्टोमेटल ओपनिंग आपकी खुली हुई है। जो स्टार्च आपका गार्ड सेल के अंदर है ये किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि स्टार्च का कन्वर्जन कभी भी, जो इसीलिए स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस फेल हो गई, क्योंकि स्टार्च कभी भी शुगर में ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में, ये माल्टेट आयन और पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर देखिए स्टार्च का कन्वर्जन हुआ मैलिक एसिड में,
और मैलिक एसिड आपका माल्टेट आयन और पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर सब्सिडियरी सेल से कुछ पोटेशियम आयन आपके कहाँ एंटर करते हैं, गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं, और गार्ड सेल के अंदर जब ये पोटेशियम आयन आपके एंटर कर रहे हैं तो कुछ पोटेशियम आयन को बैलेंस करने के लिए कुछ क्लोराइड आयन भी सब्सिडियरी सेल से इसके अंदर आते हैं। तो इन पोटेशियम आयन के अंदर एंटर करने से और माल्टेट आयन की वजह से इस गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो वाटर आपका सब्सिडियरी सेल से कहाँ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर गया। जब गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो वो स्ट्रेच करेगा और जो इसके अंदर की वॉल है आपकी ये क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, कॉनकेव हो गई यहाँ पर, और स्टोमेटा आपका क्या हुआ, खुल गया। तो दिन के समय में तो ये फेनोमिना होता है कि स्टार्च आपका मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ जो कि माल्टेट में कन्वर्ट हुआ, और पोटेशियम आयन आपके सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल के अंदर एंटर करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन गए, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और उसकी वजह से एंडोस्मोसिस का फिनोमेना हुआ, पानी अंदर गया और गार्ड सेल आपके बल्ज कर गए। लेकिन रात के समय में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में निकल रही है वो आपकी फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं हो रही है, वो प्लांट के चारों ओर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इसके एक्यूमुलेशन से वहाँ पर क्या हुआ, पीएच आपका कम हुआ। पीएच कम होने के साथ साथ इसकी वजह से जो पोटेशियम आयन आपके गार्ड सेल में गए थे ये पोटेशियम आयन यहाँ पर क्या होंगे, बाहर की तरफ ऐसे सब्सिडियरी सेल में आने लगते हैं। और यहाँ पर एक और हार्मोन है, जब आप हार्मोन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, एब्सिसिक एसिड, ये भी आपके पोटेशियम आयन को अंदर जाने से रोकता है और जो गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन है वो बाहर सब्सिडियरी सेल में आने लगते हैं। तो जब वो बाहर आने लगते हैं इसकी वजह से यहाँ पर गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज़ करने से क्या होगा कि वाटर आपका बाहर की तरफ चला जाएगा, सब्सिडियरी सेल में चला जाएगा, और गार्ड सेल आपका फ्लैसिड हो गया। अब जब गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो जो इसकी इनर वॉल जो कॉनकेव थी वो वापस आकर के चिपक गई दोनों तरफ से, और ये आपका स्टोमेटा यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये आपका स्टोमेटा इस तरह से क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो पहले वाली दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा सपोर्ट करती है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म को। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं, मतलब बढ़ाते घटाते हैं। पहला फैक्टर है लाइट, अगर लाइट उसको सफिशियंट मिल रही है प्लांट को तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लो टेम्परेचर में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। लाइट नहीं है तो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जब स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। विंड वेलोसिटी जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाती है, लेकिन अगर हाई विंड वेलोसिटी है तो वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपका लो है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। अवेलेबल सॉयल वाटर, जाहिर सी बात है अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, अगर पानी सफिशिएंट मिल रहा है प्लांट को रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल वाटर कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब यहाँ पर स्टोमेटा से है, क्योंकि हमने आपको बताया है 85-90% ट्रांसपिरेशन आपका किसके द्वारा हो रहा है, स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा स्मॉल साइज़ के हैं कि बड़े साइज़ के हैं, स्टोमेटल ओपनिंग या उसके ऊपर किसी तरह का अडाप्टेशन है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अपर सरफेस पे है कि लोअर सरफेस पे है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, उनका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर आती है, अभी आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में देखा, ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, और स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा भी होता है, लेंटिसेल के भी द्वारा होता है, मैक्सिमम स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है, इसलिए हमने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को आपको थ्योरीज के साथ एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट सवाल जो उठता है वो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन का क्या महत्व है। इसके साथ एक और चीज़ लगी, और ट्रांसपिरेशन अ नेसेसरी एविल,
नेसेसरी एविल का मतलब क्या हुआ, आवश्यक बुराई। तो ये बहुत कंट्रोवर्सियल टॉपिक है और इसके बारे में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट के लिए मतलब यूज़फुल प्रोसेस है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है ये प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो अब हम दोनों व्यूज़ को लेकर चलते हैं। पहला, सपोज रोल इन एसेंट ऑफ सैप। आपने अभी हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था एसेंट ऑफ सैप में कि एसेंट ऑफ सैप के फिनोमेना में किसका रोल था, ट्रांसपिरेशन का, क्योंकि ट्रांसपिरेशन वहाँ पर किसका काम करता है, पुल का काम करता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर को चढ़ता है। लेकिन ठीक है, अगर हम मान लें कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से एसेंट ऑफ सैप का फिनोमेना हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक बात आती है कि अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन ही ना हो, तो जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा तो उसको एसेंट ऑफ सैप की ज़रूरत ही क्या होगी, जब उसका वाटर लॉस ही नहीं होगा प्लांट में से ट्रांसपिरेशन के द्वारा, तो फिर उसको इतने पानी की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए सपोज रोल इन एसेंट ऑफ सैप के जो फेवर में हमने बोला कि उसकी वजह से है, तो उसको जो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो बात भी सही है कि अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं हो तो एसेंट ऑफ सैप की ज़रूरत ही नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है सपोज रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट। देखिए, अभी हमने आपको मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक नहीं बताया है, लेकिन पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो पुरानी हाइपोथेसिस थी उसके अकॉर्डिंग जो मिनरल्स हैं जो प्लांट लेता है वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये मान लें कि एब्जॉर्प्शन जो पानी का हो रहा है उससे एक फ़ायदा ये है कि मिनरल सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनरल सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन होता है इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस और वो पानी के साथ नहीं होता है, जिसको हम आपको आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। दूसरा है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट, मतलब पानी के साथ मिनरल सॉल्ट का भी ट्रांसलोकेशन हो रहा है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। तो अगर ये चीज़ हम मान के चलें कि ट्रांसलोकेशन में ही रोल है ट्रांसपिरेशन का, तो ट्रांसलोकेशन अगर हो रहा है तो प्लांट का जो अपर पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है और लोअर पार्ट में कम हो रहा है। तो इस तरह से जो प्लांट का अपर पार्ट है वहाँ पर मिनरल सॉल्ट या एशेस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो करे गए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि प्लांट के अपर पार्ट में जहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है वहाँ पर मिनरल सॉल्ट या एशेस की मात्रा ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ देखिए, आप जानते हैं बहुत सारे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत तरह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो जब वो अपने को मॉडिफाई करते हैं ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनको पानी कम मिलता है, तो क्या उन पौधों में मिनरल सॉल्ट की डिफिशियंसी होती है? ऐसा नहीं है। तो ज़ीरोफिटिक प्लांट जहाँ पर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया गया है और उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, वहाँ पर भी मिनरल सॉल्ट की डिफिशियंसी नहीं होती है। तो इसलिए जो दूसरा एस्पेक्ट है कि ट्रांसपिरेशन का महत्व कहाँ है, एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसलोकेशन है मिनरल सॉल्ट, इसको भी ये पूरी तरह से मतलब अगर हम पॉजिटिव में बोल रहे हैं तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, वो डिस्कार्ड हो रहा है। इसी तरह से तीसरी चीज़ क्या है, सपोज रोल इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तीसरी चीज़ क्या है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है प्लांट में। देखिए, थोड़ा बहुत तो कूलिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर उसका वो डाउन होता है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। किसी भी प्लांट में ट्रांसपिरेशन जो है टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर आपका फिजिकल प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट और प्लांट के बीच में होता है। इसलिए यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में भी हम ट्रांसपिरेशन को के रोल को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अब ये तीनों चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन नेसेसरी एविल इसलिए है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन का फिनोमिना क्यों हो रहा है, प्लांट उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसको कोई फ़ायदा नहीं उससे, ना तो वो एसेंट ऑफ सैप में उसको हेल्प कर रहा है, ना वो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट में कर रहा है, ना वो वहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। इवन देन प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्लांट की जो एनाटॉमी है उसको वो अवॉइड नहीं, उसकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन के फिनोमिना को अवॉइड नहीं कर सकता। प्लांट की एनाटॉमी में स्टोमेटा है, उस स्टोमेटा में स्टोमेटल ओपनिंग है और स्टोमेटा के नीचे सब्सिडरी सेल्स होती हैं उसकी सब स्टोमेटल कैविटी में।
तो जो यहाँ पर स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर प्लांट के एनाटॉमी में है वो ट्रांसपिरेशन के लिए नहीं बनाया गया है, वो प्लांट में बना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उसमें स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसकी वजह से ही वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का फिनोमिना हो रहा है। तो जो उसके एनाटॉमी है बनी तो दूसरे पर्पज से है, लेकिन उसको वो चेक नहीं, मतलब रोका नहीं जा सकता है कि उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना हो। तो जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उसको बनाए हैं तो एक जो दूसरी चीज़ वहाँ पर हो रही है ट्रांसपिरेशन के फिनोमिना को, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि ट्रांसपिरेशन अननेसेसरी एविल, एक अवश्य बुराई है जिसको प्लांट कभी भी रोक नहीं सकता है, बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो उसको बंद करेगा, स्ट्रोमेटा बंद करेगा अपने, तो ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, मर जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए उसको ट्रांसपिरेशन को टॉलरेट करना पड़ता है अपनी एनाटॉमी के कारण। अब देखिए एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब यह हुआ कि वो सब्सटेंस जो अगर हम प्लांट में अप्लाई करें तो वहाँ पर वो ट्रांसपिरेशन को तो रिड्यूस करें, लेकिन प्लांट के जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हों वो अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्राई किया कुछ सब्सटेंसेस जैसे कलर्ड प्लास्टिक, सिलिकन ऑयल, लो विस्कोसिटी वैक्सेस, इन सबको जब उन्होंने प्लांट में अप्लाई किया एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट, तो ये देखने के लिए कि वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उसका रिड्यूस हो विदाउट अफेक्टिंग अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट। लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं होता है, मतलब कलर प्लास्टिक, सिलिकॉन ऑयल, लो विस्कोसिटी वैक्सेस, ये फेल कर गए, कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया। इसी तरह से एक दूसरा सब्सटेंस है फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, जो कि एक फंजीसाइड है और इसका स्प्रे किया गया प्लांट के ऊपर, तो यहाँ पर इसने क्या किया कि पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हुआ 2 वीक्स तक। तो अगर 2 वीक्स तक पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होगा इट मींस क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करेगा, लेकिन हम इसको भी बहुत अच्छे से एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है और उसका टॉक्सिक इफेक्ट जिस भी प्लांट पे हम करेंगे उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर आएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह से एस्पिरिन और एबीए ये भी इंड्यूस करते हैं पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को। तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को अगर वो कर रहे हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेंगे, लेकिन अगर हम इनको अप्लाई करें तो यहाँ पर इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो आती है हाई कॉस्ट वैल्यू है, इसलिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को अप्लाई करें तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है कि हमको जो बेनिफिट उससे मिलेगा वो हमारी कॉस्ट वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब कॉस्ट इतनी ना हमारी लग जाए कि हमको जो बेनिफिट मिले वो माइनस में चला जाए, तो इसलिए हम इसे भी नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अच्छा एंटी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड की होती है तो वहाँ पर पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो जाता है प्लांट में। तो पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा तो प्लांट की दूसरी प्रोसेस को वो अफेक्ट करता है, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर दिन में हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी और वहाँ पर स्टोमेटा बंद हो गए तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से टिल डेट आज तक कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं मिल पाया है जो एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर सकें, जिससे कि हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट में जो एक नेसेसरी एविल है उसको हम कम कर सकते हैं। अब देखिए प्लांट में एक और फेनोमिना होता है गटेशन का फेनोमिना। ट्रांसपिरेशन में भी वाटर लॉस होता है और गटेशन में भी वाटर लॉस होता है, लेकिन अंतर क्या है कि गटेशन में जो वाटर लॉस होता है ये आपका एक तो रात के समय में होता है, दूसरा यहाँ पर वेपर के फॉर्म में वाटर नहीं निकलता है, लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। और गटेशन का फेनोमिना प्लांट में जब होगा तो वो स्टोमेटा के थ्रू ना होकर के वो हाइड्रोथ्रोट्स के द्वारा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोथ्रोट का स्ट्रक्चर है, ये लीफ की वेन एंडिंग है, यहाँ पर ये हाइड्रोथ्रोट का पोर होता है, ये इसकी गार्ड सेल हो गई, इसके नीचे इपिडर्म की सेल होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ पौधों में अगर आप मॉर्निंग में उठ के देखिए तो उनकी लीफ की मार्जिन के ऊपर वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, तो वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो गटेशन के फेनोमिना के कारण लिक्विड फॉर्म में वाटर वहाँ पर बाहर आता है। और वो जो वाटर आपका बाहर आता है उसमें सिर्फ वाटर ही नहीं होता, वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं, और जब वाटर इवेपोरेट कर जाता है तो वो मिनरल्स
प्लांट के टिश्यूज को रप्चर कर देते हैं। गटेशन का फिनोमेना होता क्यों है? प्लांट में तब होगा जब प्लांट में रूट का प्रेशर ज़्यादा होगा, या प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो कर रहा है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो कर रहा है, या उसको वाटर इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में पूरा आपका नहीं जा रहा है, तो इन कंडीशंस में प्लांट में गटेशन का फेनोमिना होता है। अगर हम ट्रांसपिरेशन को कंपेयर करें तो देखिए, ट्रांसपिरेशन का फेनोमिना दिन में होता है, गटेशन का फेनोमिना रात के टाइम में होता है। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होगा, गटेशन का फिनोमिना हाइड्रोथ्रोट्स के द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस है वो वेपर के फॉर्म में होता है, और गटेशन में जो वाटर लॉस होता है वो लिक्विड, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होता है। देखिए, अभी हमने आपको दूसरे लेक्चर में ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया, गटेशन के बारे में बताया। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है, और लेंटिसल के द्वारा होता है। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन आपका किसके द्वारा हुआ? स्टोमेटा के द्वारा होगा। इसीलिए हमने स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म आपको बताई, क्योंकि प्लांट में सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। और उसकी जो तीनों थ्योरीज थी, वो तीनों थ्योरीज हमने आपको बताई, और उन तीनों थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही, जो सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही, वो है पोटेशियम आयन कि जो मैकेनिज्म हो रही है वहाँ पर, जो गार्ड सेल में पोटेशियम आयन आपके एंटर करते हैं, पोटेशियम आयन की मैकेनिज्म वाली थ्योरी सबसे ज़्यादा सपोर्टेड है। और गटेशन का फिनोमेना भी हमने आपको बताया, जहाँ पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है। और इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम हो उसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।